नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एसोसिएज टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2019 के मासिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक समय से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को इतना लाइक करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी भविष्य में अपना प्यार और सपोर्ट एस्ट्रोसेज टीवी को ऐसे ही देते रहेंगे और हम भी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों, मई के महीने में जब सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मी से धरती को तपा रहे हैं तो ऐसे में आपको जान देने का प्रयास करेगा हमारा यह राशिफल। आइए जानते हैं कि इस महीने के दौरान ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है। मंगलदेव 7 मई दिन मंगलवार को प्रातः 7:03 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रवार 10 मई शाम 6:57 पर शुक्रदेव मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव 15 मई दिन बुधवार सुबह 10:56 पर अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अगर बुधदेव के गोचर पर दृष्टि डाली जाए तो वे 3 मई शुक्रवार शाम को 4:54 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर से 18 मई को शनिवार रात को 11:25 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने के दौरान दो सबसे प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, जिनका प्रभाव दीर्घ अवधि तक रहेगा। इन दोनों बड़े ग्रहों के वक्री होने से प्रकृति में परिवर्तन आने की संभावना रहेगी और समाज में न्याय व्यवस्था मजबूत होगी और अनेक मजबूत और कठिन निर्णय न्यायपालिका द्वारा सुनाए जाएंगे। इस दौरान देश और दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ अथवा भूस्खलन की संभावना हो सकती है। वित्त व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएंगे और उसके लिए कठिन निर्णय लिए जाएंगे। पेट्रोलियम और गैस के दामों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। मंत्री और अफसर शाही के मध्य खींचतान की स्थिति बन सकती है। किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। दोस्तों, हमने जाना कि ग्रहों के गोचर का सामान्य प्रभाव जनमानस पर क्या पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह सभी गोचर भचक्र की सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ असर अवश्य डालेंगे, जिसके बारे में हम आपको हर राशिफल के अंतर्गत बताएंगे। हमारे जीवन में पर्व और त्यौहार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की प्रेरणा मिलती है और विभिन्न महापुरुषों द्वारा किए गए महान कार्यों का अनुसरण कर अपने जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए यह त्यौहार हमारी मदद करते हैं। चलिए जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन से मुख्य पर्व और त्यौहार आए हैं। 7 मई मंगलवार को भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार भगवान परशुराम का प्रकट्य उत्सव मनाया जाएगा। 11 मई शनिवार का दिन गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाएगा, इसे जानू सप्तमी के रूप से भी जाना जाता है। 13 मई सोमवार को सीता नवमी अर्थात जानकी नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन मिथिला नरेश महाराज जनक को सीता जी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी। मान्यता के अनुसार जब किसी विशेष यज्ञ के कारण महाराजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो उन्हें एक मटके में सीता जी प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस दिन को जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। 15 मई बुधवार को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। 17 मई शुक्रवार को भगवान हरि विष्णु के महाशक्तिशाली अवतार भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भयंकर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके पुत्र प्रहलाद को परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। 18 मई शनिवार को भगवान हरि विष्णु के महान अवतार भगवान कुंभ का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इन्हें कच्छप अवतार के रूप में भी जाना जाता है। श्री भगवान हरि विष्णु ने सतयुग में अपने इन दूसरे अवतार को प्रकट किया था। देवता और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में अपनी पीठ पर धारण करने के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया था। इसी दिन गौतम बुद्ध जयंती भी मनाई जाएगी। इनको भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। 19 मई रविवार का दिन है, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र योगी और देवऋषि नारद की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात नारायण जी के परम भक्त थे। वे अत्यंत ज्ञानी माने जाते हैं और उन्हें ज्योतिष और जीवन में संदर्भ के अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। 22 मई बुधवार के दिन भगवान महागणेश को समर्पित एक दंत संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। आपके जीवन में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी का यह व्रत आप रख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। 30 मई बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कौन कौन से गोचर होने वाले हैं मई के महीने में, कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं,
या तो हमने इन सारी चीजों के बारे में बात की, अब चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की और बात करेंगे सबसे पहले हम मेष राशि की। मेष राशि की शुरुआत करने से पहले चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस माह में यानी कि मई के महीने में कौन कौन सी तारीख है ऐसी जो आपके लिए शुभ नहीं है, उस तारीख पर आपको कुछ महत्वपूर्ण काम और कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। 1, 2, 3, 11, 12, 20 और 21 तारीख आपके लिए तनाव उत्पन्न कर सकती है। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन के साथ। इस माह में पारिवारिक स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं। अनावश्यक की घर में किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण घर का संतुलन बिगड़ने की संभावना बन सकती है। आपसी सामंजस्य का अभाव होने से परिवार में कलह संभव है। किसी तरह का आपसी विवाद घर में ना हो इसका ख्याल रखते हुए सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं क्योंकि सूर्य बुध के साथ मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, इसीलिए प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है। लेकिन उत्तेजित होने से या अत्यंत क्रोध के कारण प्रेमी या प्रेमिका से आपसी संबंध खराब हो सकते हैं। इस माह में दाम्पत्य जीवन भी बेहतर हो सकता है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होने से कामकाज के साथ साथ बाहर की यात्रा इत्यादि में भी जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि इस माह के प्रारंभिक सत्र में तनावपूर्ण स्थितियों का आपको सामना करना पड़े। इस माह में आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी क्योंकि शनि धनु राशि में गोचर कर रहा है जिससे करियर से संबंधित आर्थिक लाभ के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। समय समय पर कामकाज से संबंधित धन अर्जित करने का मौका मिलेगा और इस तरह से आप आर्थिक लाभ की दृष्टि से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। यदि आप किसी तरह का कोई निवेश चाहते हैं और उसके लिए मन बनाया हुआ है तो समय के अनुसार आप निवेश कर सकते हैं। धन के लेन देन में सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। विदेश यात्रा तथा विदेश से संबंधित कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है क्योंकि मंगल 7 मई से मिथुन राशि में संचरण करेगा जो बाहर की यात्रा या बाहर से संबंधित कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी तरह की चोट चपेट में आने की आपकी संभावना बन रही है और रक्त से संबंधित किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। यदि आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो किसी तरह का घाव आपके हिस्से आ सकता है। इस दौरान आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और गरीब व्यक्तियों को सहयोग दें। ऐसा करने से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। यह तो हमने बात की मेष राशि की। चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी तारीख वृषभ राशि के जातकों के लिए इस माह में शुभ नहीं है। 4, 5, 13, 14 और 22 तारीख आपके लिए प्रतिकूल है। इस समय में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित रहेगा। पारिवारिक जीवन के साथ शुरुआत करेंगे तो इस माह में माता पिता से जो संबंध है वो आपके खराब हो सकते हैं और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर धन व्यय होने की संभावना बन सकती है, इसीलिए माता पिता के साथ मधुर संबंध हो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। यह स्थिति इस माह के पूर्वार्ध में ज्यादा देखने को मिल सकती है। उत्तरार्ध में सामान्य रहेंगे सारी स्थितियां। संतान पक्ष को लेकर भी चिंताजनक स्थिति आ सकती है। इस माह के पूर्वार्ध में प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपसी सामंजस्य बिगड़ने की संभावना बन रही है, इसीलिए प्रेमी या प्रेमिका को इस माह के पूर्वार्ध में मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उत्तरार्ध में स्थितियां अनुकूल हो सके। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप इस माह के उत्तरार्ध में वह काम कर सकते हैं। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां प्रतिकूल रहने की संभावना बन रही है क्योंकि मंगल राहु के साथ मिथुन राशि में संचरण कर रहा है जो जीवन साथी से संबंध में खटास उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य बनाए रखना इन समस्याओं का निवारण है। इस माह में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है जो आर्थिक परिस्थितियों के लिए बेहतर फलदायक। शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहा है जो धन प्राप्ति के साथ साथ भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करा सकता है। यदि आप किसी तरह के कार्य के विस्तार करने की योजना बना रहे हैं या आर्थिक लाभ के लिए कोई नया कार्य शुभारंभ करना चाहते हैं तो इस माह के उत्तरार्ध में कर सकते हैं। स्थिति अच्छी रहे इसके लिए पूरे नियोजित तरीके से ही काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आवश्यकता ना हो तो कुछ ज्यादा निवेश करने से बचने की कोशिश करें। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य की बात करें तो सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। किसी भी तरह का संक्रमण इत्यादि होने से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संक्रमण से बचने की कोशिश करें और अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। बात करें अगर उपाय की तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और शुक्रवार का व्रत एवं पूजन करें। वृद्धाश्रम में सहयोग और सेवा दें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में चावल या चीनी सामान्य मात्रा में किसी को दान में दे सकते हैं आप। या तो हमने बात की वृषभ राशि की और जाना कि कैसा रहेगा उनके लिए मई का महीना। अब शुरुआत करेंगे हम मिथुन राशि की और जानेंगे कैसा रहेगा मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए।
लेकिन उससे पहले चलिए आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी तारीख मई के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, जिस दिन उनको कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तारीख आपके लिए तनाव भरा हो सकता है, इसीलिए इन दिनों में किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इन दिनों का परिहोज करना ही आपके लिए बेहतर फलदायक होगा, क्योंकि इस दौरान आपको मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के पूर्वार्ध में पारिवारिक स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, घर गृहस्थी में भी एक दूसरे का सहयोग प्रदान हो सकता है, परंतु उत्तरार्ध में अनावश्यक किसी तरह के धन संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे घर परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। बात करें अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह में प्रेम संबंध की स्थिति चरम पर हो सकती है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मधुर संबंध में हैं और उसे सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह सफल हो सकता है। यदि घूमने फिरने के उद्देश्य से कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या कामकाज से संबंधित घर के प्लान करते हैं तो वह सफल हो सकता है। यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे आपके बारे में पता नहीं है फिर भी उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं तो इस माह में उसे पूरा कर देना चाहिए, यानी कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस माह में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना कम बन रही है। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां तनावपूर्ण रहने वाली हैं। अनावश्यक किसी तरह का पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न होने से एक दूसरे से अलग रहने की भी संभावना बन सकती है, इसीलिए जीवन साथी का सहयोग सदैव बना रहे इसके लिए मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश आपको अच्छी दिशा दे सकती है। अनावश्यक विवादों के कारण एक दूसरे का सहयोग कम प्राप्त होने की भी संभावना दिख रही है। बात करें अगर आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक स्थितियां उतार चढ़ाव की हो सकती हैं। धन को लेकर किसी से अनावश्यक विवाद भी हो सकता है, इसीलिए किसी भी तरह के धन के आदान प्रदान को लेकर सावधानी जरूर रखें। किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देने से परहेज करना चाहिए। यदि आप निवेश की दृष्टि से कोई कार्य करना चाहते हैं, निवेश को सफल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इस माह में सफल हो सकता है वह कार्य। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह के व्यवसाय को करना चाहते हैं, तो इस माह में आपको अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टि से निवेश करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो इस माह में जोड़ों का दर्द या किसी तरह की चोट की चपेट में आप आ सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी आपको उत्पन्न हो सकती है। इस माह में आपको खान पान पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा आपको कोई नई बीमारी हो सकती है। उपाय की बात की जाए तो आप बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें और हरा चारा गाय को खिलाएं, गणपति को दुर्वा अर्पित करें और गरीब व्यक्तियों को सहयोग और सेवा प्रदान करें। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सहयोग और सेवा या खेलकूद से संबंधित सामग्री इत्यादि का आप सहयोग दे सकते हैं बच्चों को। जरूरतमंद व्यक्तियों को इस माह में आप जरूर अपना सहयोग दें, इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यह तो हमने जाना कि मिथुन राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, हमने उपाय के बारे में चर्चा की, हमने यह भी चर्चा की कि कौन कौन सी तारीख उनके लिए शुभ नहीं है। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की और जानेंगे कैसा रहेगा मई का महीना इस राशि के जातकों के लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 10, 11, 19, 20, 29 और 30 तारीख जो है वो आपके लिए तनाव भरा हो सकता है, इसीलिए इन दिनों में महत्वपूर्ण बैठक ना करें, ना ही किसी शुभ कार्य को संपन्न करें या शुभारंभ करें। इन दिनों का परहेज करना ही आपके लिए बेहतर होगा। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो इस माह में पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। माता पिता भाई बहन से अच्छा रिलेशन हो सकता है और कामकाज के क्षेत्रों में भी समय के अनुसार एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस माह के उत्तरार्ध में कुछ मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं या किसी तरह के शुभ अवसर घर में आपके हो सकते हैं। घर गृहस्थी शादी में विकास के अवसर देखने को मिलेंगे और घर का संतुलन बेहतर हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना कम बन रही है। संतान सुख प्राप्ति, संतान की पढ़ाई लिखाई इत्यादि से चिंताजनक स्थिति बन सकती है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान ढूंढने से आपको जरूर मिलेगा और प्रयास करने से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थिति तनावपूर्ण रहने वाली है। प्रेमी प्रेमिका के आपसी सामंजस्य खराब होने से एक दूसरे के साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि संभव ना हो तो इस माह में कम मिलने जुलने की कोशिश करें या किसी भी महत्वपूर्ण बातों को शेयर करने से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि राहु और मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो प्रेम संबंधों को लेकर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति सामान्य रहने वाली है। घर परिवार में जीवन साथी का सहयोग सामान्य प्राप्त हो सकता है। बड़े उम्मीदों को लेकर जीवन साथी से सहयोग की कामना करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना रहे। इस माह में आर्थिक स्थिति बेहतर रहने की संभावना है, चूंकि शुक्र मीन राशि में संचरण कर रहा है, जो आर्थिक लाभ के लिए किए गए प्रयासों को सफल बना सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इस माह में आप किसी अपने इष्ट मित्रों के साथ भी मिलकर किसी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं और पहले से ही किसी कार्य योजनाओं को विस्तार करने का मन बनाया हुआ है तो इस माह के उत्तरार्ध में आप कर सकते हैं। हालांकि करियर की दृष्टि से स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण है, इसलिए आपको वह परिस्थिति को देखते हुए कोई भी निवेश करने का मन बनाना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
किसी तरह के नए कार्य का शुभारंभ करना थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तथा सोची समझी रणनीति के तहत ही कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह में आपको किसी तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक किसी तरह की छोटी मोटी बीमारी भी आपको उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए समय के अनुसार इस माह में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। किसी भी तरह के पुराने रोगों का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो सकता है। उपाय की बात की जाए तो इस माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना आपके लिए बेहतर हो सकती है। आप सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं और सोमवार का व्रत एवं पूजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को दुर्वा अर्पित करना और बेलपत्र अर्पित करना बेहतर हो सकता है। यह तो हमने बात की कन्या राशि की, और जाना कि कैसा रहेगा मई का महीना इस राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करेंगे हम सिंह राशि की, और जानेंगे क्या कहता है ग्रह नक्षत्र इस राशि के बारे में और कैसा रहेगा मई का महीना इस राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम और जानेंगे कि कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। तो आपके लिए 1, 2, 3, 11, 12, 20 और 21 तारीख जो है आपके लिए तनाव उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए इन दौरान आप अपना ख्याल रखें और अपने आप पर भरोसा जरूर रखें। किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने से बचने की कोशिश करें इन दिनों में आप। शुरुआत करते हैं राशिफल की आपके पारिवारिक जीवन के साथ। तो इस माह में माता पिता से संबंध अच्छे हो सकते हैं और माता पिता का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन कभी कभी तनाव उत्पन्न होने के कारण परिवार में असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए घर परिवार में माता पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखना ही आपके लिए फलदायक रहेगा। जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध हो सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता का सहयोग ही आपके लिए अच्छी और उन्नतिदायक रहेगा। माता पिता का आदर करते हुए घर परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इस माह में प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। प्रेमी प्रेमिका के आपसी विश्वास में कमी के कारण एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य खराब हो सकते हैं। शनि केतु के साथ धनु राशि में संचरण कर रहा है, जो प्रेम संबंध के मामलों में स्थितियां प्रतिकूल बना रहा है, जिससे प्रेमी प्रेमिका के साथ आपसी सामंजस्य बिगड़ सकते हैं। यदि आप इस माह में कहीं घूमने फिरने या विचरण करने के उद्देश्य से कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस माह के उत्तरार्ध में प्रयास कर सकते हैं। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग कम प्राप्त होने की संभावना है। बाहर के कामकाज के क्षेत्रों में भी आपको एक दिशा मिल सकती है। बात करें आर्थिक जीवन की तो इस माह में आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। आर्थिक लाभ के लिए किया गया प्रयास सफल होने की संभावना है। थोड़ी बहुत तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होगी। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस माह में किसी भी तरह के लंबे निवेश की सोच न रखें। समय व परिस्थिति के अनुसार कार्य करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी भी कार्य को जल्दबाजी या गुस्से में ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह में आपको किसी भी तरह के बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी तरह के इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या नहीं पड़ सकते, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्तचाप इत्यादि की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उपाय की बात करें, सूर्य को निरंतर जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मेडिटेशन और योग करने से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, इससे भी आपकी स्थिति काफी अनुकूल हो जाएगी। या तो हमने बात की कि सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कन्या राशि की और जानेंगे कैसा रहेगा मई का महीना इस राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तारीख के साथ और जानते हैं कि कौन कौन सी तारीख इस राशि के जातकों के लिए मई के महीने में शुभ नहीं है, जिन दिनों पर उन्हें कोई महत्वपूर्ण कार्य शुभ कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 4, 5, 13, 14, 22 और 23 तारीख जो है आपके लिए अनुकूल नहीं है। इन दिनों में किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण कार्य करना वर्जित रहेगा और किसी भी शुभ कार्य को आरंभ न करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस माह में पारिवारिक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अपने सगे संबंधियों के अलावा आपके घर के लोगों के साथ भी आपसी सामंजस्य अच्छा न होने से तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। माता पिता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए पारिवारिक दृष्टि से यह आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। संतान सुख इत्यादि को लेकर मन प्रसन्नचित रहेगा। इस माह में प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। कभी कभी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे प्रेमी और प्रेमिका के साथ आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं और उसका इजहार करना चाहते हैं तो आपको इस माह में अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। यदि आप किसी के तरह के महत्वपूर्ण बातों को साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यदि बाहर घूमने फिरने के उद्देश्य से प्लानिंग किया हुआ है तो आपको उसे निरस्त करना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। जीवन साथी का सहयोग भरपूर प्राप्त हो सकता है। बाहर की यात्रा और कार्य से संबंधित कामकाज के क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है और ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे हो सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इस माह में आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। चूंकि बुध सूर्य के साथ मेष राशि में संचरण कर रहा है, जो करियर की दृष्टि से स्थिति को तनावपूर्ण बना सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ के क्षेत्र में बुरा असर पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होने से आर्थिक लाभ के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले रूपरेखा तैयार करना और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना बेहतर रहेगा।
इस माह में आप कोई निवेश का मन बना रहे हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश करने से आपकी आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो व्यवसायिक दृष्टि से भी निवेश करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। इसीलिए जो कुछ व्यवसायिक दृष्टि से आप कर रहे हैं उसे विस्तार करने का प्रयास करें, जो समय के अनुसार अच्छा फलदायक हो सके। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह में कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। अभी आपके लिए किसी तरह का व्यवसाय शुरू करना नुकसानदायक हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो इस माह में पेट से संबंधित विकार उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। किसी तरह की चोट चपेट की भी संभावना दिख रही है। किसी तरह के जोड़ों का दर्द इत्यादि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सावधानी रखते हैं। बात करें अगर उपाय की, तो खेलकूद से संबंधित सामग्री दान करें। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ने की सामग्री दान करें और हरी चीजों का भी दान करना उनको फलदायी रहेगा। गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें, यानी घास अर्पित करें, यह करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो बात की हमने कन्या राशि की, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका मई का महीना। शुरुआत करते हैं तारीख के साथ और जानते हैं कि कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। तो 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तारीख आपके लिए प्रतिकूल है। इस समय में प्रयास करना आपके लिए उचित नहीं है। इस दौरान सामान्य स्थिति में कार्य करना का प्रयास करें और कुछ विशेष करने से परहेज करें। पारिवारिक जीवन की बात करें, तो इस माह में परिवार की स्थिति अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, संतान इत्यादि के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने का आपको प्रयास करना अच्छी कामयाबी दिलाएगा। घर परिवार में सबका साथ सबका विकास का मंत्र होना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार पारिवारिक एकजुटता बड़ा महत्व रखती है। हर तरह के कार्यों में परिवार का सहयोग होना आवश्यक हो जाता है, इसीलिए आपको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। हर तरह के कार्यों से परिवार को अवगत कराना चाहिए और उनका सहयोग भी लेना चाहिए। घर परिवार का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपेक्षा की दृष्टि से देखा जा सकता है। घर परिवार में कुछ शुभ अवसर भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ उत्सव या शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। इसीलिए घर परिवार में आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य बेहतर हो, इसके लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इससे घर गृहस्थी में वृद्धि होने के साथ साथ अन्य तरह के कार्यों में भी एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सकता है। बात करें अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह में प्रेम संबंधों को लेकर आपसी सामंजस्य बेहतर देखने को मिल सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच आपसी तालमेल अच्छे रहेंगे। यदि आप किसी तरह के कार्य व्यवसाय को लेकर भी एक दूसरे के सहयोग की उम्मीद करें तो वह सफल हो सकता है। यदि आप अपने सहयोगी को बहुत प्यार करते हैं और उनसे और उन्हें अपने कामकाज के क्षेत्र में भी शामिल करना चाहते हैं तो इस माह में कर सकते हैं। यदि कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो वह भी संभव हो सकता है। यदि आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए। समय के अनुसार सब कुछ अच्छा होगा। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहेंगी। पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण घर पर उसका बुरा असर पड़ेगा। कामकाज के क्षेत्रों में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें, अन्यथा हर तरह के क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें अगर आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। हर तरह के प्रयत्न आपके सफल होंगे। चूंकि सूर्य अपने उच्च राशि में संचरण कर रहा है, जिससे आर्थिक रूप से स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। जिस किसी कार्य को लगन और मेहनत से आप करेंगे, उस क्षेत्र में आपको आर्थिक रूप से सफलता जरूर मिलेगी इस माह में। यदि आप खान पान से संबंधित क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी इस माह। यदि व्यवसाय से संबंधित कोई निवेश करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं, साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय की दृष्टि से निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। कामकाज के क्षेत्र से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो इस माह में गले, फेफड़े, यूरिन, कफ, बलगम इत्यादि की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी तरह का वायरल फीवर इत्यादि भी आपको हो सकता है और अनावश्यक बीमारी उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित सावधानी रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। उपाय की बात करें, तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और शुक्रवार को व्रत एवं पूजन करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहयोग और सेवा प्रदान करें। किसी वृद्धा आश्रम में भी सेवा और सहयोग करें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं। यह तो हमने बात की तुला राशि की और जाना कि कैसा रहेगा मई का महीना उनके लिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी बात करेंगे अब हम अगली राशि यानी वृश्चिक राशि और जानेंगे कि कैसा रहेगा उनके लिए मई का महीना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस माह में कौन कौन सी तारीख वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। 8, 9, 17, 18, 26 और 27 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। समय में किसी भी कार्य को करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए इन दिनों में किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक स्थिति इस माह में तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि शनि धनु राशि में केतु के साथ संचरण कर रहा है, जो घर परिवार में आपसी तनाव उत्पन्न कर सकता है।
एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी होने के कारण और तालमेल का अभाव होने के कारण पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। किसी भी तरह के धन संचय अचल प्रॉपर्टी को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण माता पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं। घर परिवार में मधुर संबंध बनाए रखना और सबके साथ मिलजुल कर कार्य करना, सबको जोड़ कर चलना बहुत ही आवश्यक होगा, तभी आपको एक अच्छी दिशा और दशा मिल सकती है। आप जिस किसी भी कार्य व्यवसाय में हैं उसमें घर परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि आप किसी तरह का पारिवारिक कार्य करना चाहते हैं तो वह संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परिवार के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। संतान सुख, संतान प्राप्ति, संतान के क्रियाकलापों से इस माह में आपको संतुष्टि मिल सकती है। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह में प्रेम संबंधों को लेकर स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। प्रेमी प्रेमिका के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ कामकाज के क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग का आदान प्रदान हो सकता है। प्रेमी या प्रेमिका के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार ज़्यादा हो सकता है। किसी तरह के बाहर की यात्रा, किसी तरह के कामकाज को लेकर आपसी सामंजस्य बेहतर हो सकते हैं। घर परिवार की स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्यार करते हैं और इजहार करना चाहते हैं तो इस माह में कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेंगी। पति पत्नी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने से कामकाज के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग हर तरह के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, खासकर व्यावसायिक दृष्टि से बाहर की यात्रा और बाहर से संबंधित कामकाज के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक लाभ को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। इसीलिए किसी भी तरह के आर्थिक मामलों को लेकर विवाद से बचने की कोशिश करें। किसी भी तरह की उलझन में ना रहे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ के लिए हर तरह के प्रयासों से सफलता प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। यदि आप किसी तरह के आर्थिक लाभ के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अब इस माह में कर सकते हैं। यदि कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय के अनुसार कर सकते हैं। कारोबार की वृद्धि और कारोबार के विस्तार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की योजना सफल रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और कोई व्यवसाय आदि करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी अपने मित्र के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके इष्ट मित्रों का सहयोग आपके जीवन में प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में फाइनेंस का बागडोर ना दें जिनसे आपको नुकसान उठाना पड़े और उसके लिए कई तरह के दाव पेच भी अपनाने पड़े। बेहतर ये होगा कि अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह में स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की चोट चपेट में आने की संभावना बन सकती है या रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वाहन इत्यादि का प्रयोग करते समय सावधानी रखें। उपाय की बात की जाए तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और चने नारियल हनुमान मंदिर के बाहर बैठे लोगों को वितरित कर दें। मंगलवार को व्रत एवं पूजन करें, हनुमान चालीसा इत्यादि का रोज पाठ करें और चमेली के तेल और सिंदूर का लेपन हनुमान जी महाराज को करें, जिससे आपकी जितनी भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो बात की हमने कि वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, अब बात करेंगे हम धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी तारीख सबसे पहले आपके लिए शुभ नहीं है। 1, 2, 11, 12, 21 और 22 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। समय में किसी भी तरह के शुभ कार्य को करना वर्जित रहेगा। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्य और बैठकों को निरस्त किया जाना चाहिए, कैंसिल किया जाना चाहिए। इस माह में पारिवारिक स्थितियों को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में अनावश्यक किसी का स्वास्थ्य खराब होने से भागदौड़ और ध्यान व्यय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति होगी। वैसे घर परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने की संभावना दिख रही है, खासकर आपका परिवार वालों की तरफ आपका जो रुझान है वो सामान्य रहेगा। इसीलिए आप अपने स्वभाव को परिवर्तित करते हुए परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, जिससे आपकी स्थितियां अनुकूल हो सके और परिवार में सुख शांति के साथ साथ घर गृहस्थी में सबका सहयोग प्राप्त हो सके। यदि आप परिवार के साथ साथ बाहर के कामकाज के क्षेत्रों में भी परिवार वालों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वह भी सफल रहेगा। माता पिता से संबंध अच्छे होंगे और माता पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा। खासकर संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। संतान के क्रियाकलापों और संतान सुख प्राप्ति की दृष्टि से स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। इससे मन प्रसन्नचित तो हो सकता है। घर परिवार में कुछ शुभ अवसर आ सकते हैं और कुछ शुभ मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि मंगल के साथ राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहा है, जो प्रेम संबंध में मामलों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। परंतु आपसी सामंजस्य बेहतर बनाए रखने से एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। प्रेम प्रसंगों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उनके साथ किसी भी बात को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ समय देना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपके प्रेम संबंधों को बेहतर स्थिति मिलेगी। प्रेम संबंध में आपसे विश्वास की भावनाएं प्रबल होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति तालमेल बेहतर होना चाहिए।
बात करें अगर दाम्पत्य जीवन की, तो इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां तनावपूर्ण रहने वाली हैं। पति पत्नी के साथ आपसी सामंजस्य बिगड़ने से घर परिवार में हर तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी समस्याओं के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, एक दूसरे से अलग रहने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश ही आपके लिए बेहतर रहेगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस माह में आर्थिक स्थितियां काफी अनुकूल रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में संचरण कर रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ के लिए किया गया प्रयत्न सफल होने की संभावना बन सकती है। यदि आप आर्थिक लाभ के लिए किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। समय के अनुसार ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टि से विस्तार योजनाओं को सफल बना सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में कोई निवेश कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। यदि आपने कहीं पहले से ही निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ आपको प्राप्त होने की संभावना इस माह के उत्तरार्ध में बन रही है। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। धन के आदान प्रदान में सावधानी रखें और धन का लेन देन करने से बचें, जिससे कि अगर आपको नुकसान हो तो समय के अनुसार आपको बेहतर फल की प्राप्ति हो सके। यदि आप किसी तरह की प्रॉपर्टी इत्यादि के क्षेत्र में निवेश करने के लिए मन बना रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से वायरल फीवर, सर्दी जुकाम आदि, खांसी, जोड़ों के दर्द इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंखों की प्रॉब्लम से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है और त्वचा में इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय की बात की जाए तो आप गुरुवार का व्रत, गुरुवार का कथा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान कर सकते हैं। गाय को चने की दाल और गुड़ खिला सकते हैं, हरे पालक इत्यादि खिला सकते हैं। गाय और ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए इस माह में फलदायी रहेगा। या तो हमने बात की कि धनु राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि इस माह में कौन कौन सी तारीख सबसे पहले उनके लिए शुभ नहीं है। 4, 5, 13, 14, 22 और 23 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय में किसी भी कार्य को करना तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए इन दिनों का परहेज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो इस माह में पारिवारिक स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आए। भाई बहन इत्यादि के साथ भी स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ और धन लाभ और धन व्यय करना पड़ सकता है। यदि परिवार में घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हैं तो आपको मान सम्मान मिल सकता है। आपके कामकाज के क्षेत्र में भी घर परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा, इसीलिए घर वालों के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर बनाए रखने और तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। इस माह में संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अनुकूल रह सकती हैं। संतान सुख, संतान प्राप्ति और संतान की पढ़ाई लिखाई और करियर इत्यादि को लेकर असंतुष्टि दूर हो सकती है। समय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और परिवार में कुछ शुभ मांगलिक कार्य उत्पन्न होगा। बात करें अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह में आपके प्रेमी प्रेमिका से मधुर संबंध होने की संभावना बन रही है और भौतिक सुख संसाधनों का भोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी रमणीय स्थल पर भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं तो आप समय के अनुसार इजहार कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के अलावा आपके अपने कामकाज के क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सकता है, परंतु ज्यादातर स्थितियां आपके प्रेम संबंध को लेकर बेहतर होने की संभावना बन रही है। आपसी तालमेल बेहतर होने से एक दूसरे के ऊपर भरपूर भरोसा कर सकते हैं और एक दूसरे के प्यार में मग्न हो सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। पति पत्नी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप बाहर के कामकाज के क्षेत्र से लगाव रखते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने के साथ साथ आपको ससुराल पक्ष की ओर से भी सहयोग मिलेगा। बात करें आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक स्थितियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अनावश्यक किसी के पक्ष में धन देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। धन के आदान प्रदान में किसी तरह का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आर्थिक मामलों में आपके सगे संबंधियों से भी दुश्मनी मिली आपको मोल लेनी पड़ सके, इसीलिए पैसों के मामलों में एक दूसरे पर भरोसा कम करें और अपने धन की रक्षा स्वयं करें। यदि किसी तरह का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको धन के आदान प्रदान में सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे तो आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। यदि स्वयं के कार्यों में निवेश करना है तब आप थोड़ा सामान्य स्थिति में करें, लेकिन यदि आपको अब किसी कंपनी इत्यादि या किसी अन्य प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करना है तो आपको पूर्णतः सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको निवेश बचना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा कुछ करने का विचार हो तो आप फाइनेंशियल क्षेत्र में या डेकोरेशन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और इस माह में आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बात करें स्वास्थ्य की, तो इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से चोट चपेट इत्यादि आने की संभावना है। यदि किसी तरह की त्वचा से संबंधित संक्रमण इत्यादि की संभावना उत्पन्न हो सकती है तो तुरंत डॉक्टर के से आप सलाह जरूर लें। घाव, फोड़ा, फुंसी या अन्य तरह की परेशानियां देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बात करें उपाय की, तो आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें और शनि मंदिर में या
पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, रोज हनुमान चालीसा पाठ करें। ऐसा करने से आपकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सकती हैं। तो अब तक हमने बात की मकर राशि की, चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए इन दिनों में किसी भी कार्य को करना या किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेना या कोई जरूरी बैठक इत्यादि करना उचित नहीं रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो इस माह में पारिवारिक जीवन अनुकूल रहने की संभावना है। घर परिवार में माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे और समय के अनुसार माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। परिवार में भाई बहन और अन्य सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। घर परिवार के सहयोग से अचल संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बन रही है। धन संचय करने की स्थिति मजबूत हो सकती है। कुछ नए रिलेशन जुड़ने से खुशी का माहौल हो सकता है और कामकाज के क्षेत्र में भी परिवार का सहयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए घर परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना आपके लिए बेहतर रहेगा, जिससे घर परिवार का संतुलन बेहतर हो, घर गृहस्थी में विकास हो और घर परिवार में आपको सम्मान प्राप्त हो। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होने से हर तरह के कार्य में सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। संतान पक्ष को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है और संतान प्राप्ति, संतान सुख और संतान से सहयोग इत्यादि को लेकर चिंतित हो सकते हैं। संतान के क्रियाकलापों से असंतुष्टि महसूस हो सकती है, इसीलिए कोशिश यही करें कि परिवार के साथ साथ संतान के लिए भी आप जागरूक रहें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के साथ आपसी सामंजस्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आपसी संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग है तो वह आपका सफल हो सकता है। आपके प्रेम संबंध में वृद्धि हो सकती है, इसलिए समय के अनुसार कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम करना अच्छा हो सकता है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्यार करते हैं तो समय के अनुसार इजहार करना भी आपको चाहिए। इस दौरान स्थिति सामान्य है, कोई बड़ी समस्या दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। संभव है कि कभी भी आपसी सामंजस्य बिगड़ जाए, क्योंकि मिथुन राशि में मंगल के साथ राहु संचरण कर रहा है जो प्रेम संबंध को लेकर तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए प्रेम संबंध के मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। जितना जरूरी हो उतना ही संपर्क बनाने की कोशिश करें। इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति अनुकूल रहने की संभावना है। आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध हो सकते हैं और हर तरह के क्षेत्र में उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। बाहर की यात्रा इत्यादि और बाहर के कामकाज के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। बात करें आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में रहने वाली है। धन लाभ प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सफल होने की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है धन के आदान प्रदान में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, किसी से कहा सुनी हो सकती है या कहीं धन रुक सकता है। ऐसे में सावधानी रखना आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस माह के उत्तरार्ध तक आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन जाए। व्यवसायिक दृष्टि से स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। यदि आर्थिक लाभ के लिए किसी तरह कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है उसमें। यदि आप पहले से ही व्यवसाय कर रहे हैं और उसे विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो वह सफल हो सकता है। बात करें स्वास्थ्य की, तो इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह का इन्फेक्शन, फोड़ा, फुंसी या चोट लगने की संभावना बन रही है। गलत संगतियों से दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा शारीरिक चोट पहुंच सकती है। जोड़ों का दर्द इत्यादि भी आपको झेलना पड़ सकता है, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधित सावधानी जरूर रखें। उपाय की बात करें, शनिवार के दिन बहते हुए जल में नारियल या कोयला प्रवाहित कर दें और काले कपड़े में काला उड़द और लोहे इत्यादि बांधकर किसी को दान कर दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिल सकता है। यह तो हमने बात की कुंभ राशि की, अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे मीन राशि की और जानेंगे क्या कहते हैं सितारे इस राशि के जातकों के बारे में कि मई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 10, 11, 19, 20, 28 और 29 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है, इस समय में किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो इस माह में पारिवारिक कलह उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। माता पिता के साथ सामान्य संबंध हो सकते हैं और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर स्थिति चिंताजनक हो सकती है, जिसके कारण परिवार में आपसी सामंजस्य बिगड़ सकते हैं। घर का संतुलन बिगड़ सकता है और अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर बनाने की कोशिश करना आपके लिए फलदायी रहेगा। यदि आप समझदारी से परिवार के साथ मिलकर किसी भी कार्य को करने का प्रयास करें तो परिवार में सबके साथ आपका तालमेल बेहतर बनेगा। परिवार में अच्छा खासा विकास देखने को मिल सकता है और परिवार वालों का सहयोग भी समय के साथ आपको मिल सकता है। संतान पक्ष को लेकर स्थिति बेहतर रहेगी, संतान की तरफ से संतुष्टि मिल सकती है। इस माह के उत्तरार्ध में घर परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। कुछ नए रिलेशन भी जुड़ सकते हैं और कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, इसलिए स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए सबके साथ संबंध बेहतर होना आवश्यक है। प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेंगी, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ मधुर संबंध हो सकते हैं और एक दूसरे के सहयोग से किसी भी कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। घर गृहस्थी के
साथ साथ कामकाज के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग मिल सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। समय के अनुसार आपको प्यार का इजहार करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि कहीं अपने मन की बात आप शेयर करना चाहते हैं या किसी तरह के कामकाज से संबंधित कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। इस माह में प्रेमी प्रेमिका के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर हो सकते हैं, जिससे हर तरह की स्थिति अनुकूल रहेगी। इस माह में दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल रहने की संभावना है, खासकर ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग मिलेगा। यदि किसी भी तरह के कामकाज के क्षेत्र में सहयोग की भावना चाहते हैं तो वह भी आपको उनके ससुराल पक्ष जीवन साथी से जरूर मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। बात करें आर्थिक जीवन की तो इस माह में आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। किसी भी कार्य को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। चूंकि शनि के साथ केतु धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो भागदौड़ और तनावपूर्ण स्थितियों में लाभ अर्जित होने की स्थिति बन रही है, इसीलिए आप आर्थिक लाभ के लिए किसी भी कार्य को बेहतर दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह में निवेश की दृष्टि से कुछ नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। किसी भी एजुकेशनल या फाइनेंशियल क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यावसायिक दृष्टि से भी स्थिति अनुकूल हो सकती है। इस माह में किसी नए कार्य को शुभारंभ करने की संभावना बन सकती है तथा किसी तरह के कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप कार्य कोई भी करें, लेकिन निवेश करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। धन प्राप्ति की दृष्टि से जागरूक रहने की भी जरूरत है। धन के लेन देन में सावधानी रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें, किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे ना दें जिनसे कि वापस धन प्राप्त करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बात करें स्वास्थ्य की तो इस माह में पेट से संबंधित या हृदय से संबंधित कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। खान पान और रहन सहन बेहतर रहना ही हितकारी रहेगा। आप समय के अनुसार अपना ख्याल रखने की कोशिश करें। बात करें अगर उपाय की तो मीन राशि के जातकों को हम सलाह देना चाहेंगे, गुरुवार का व्रत और पूजन करें आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान कर सकते हैं आप। गाय और ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अपने गुरु का सम्मान और सत्कार करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह तो हमने बात की मई के महीने के राशिफल के बारे में, और इसके माध्यम से जाना हमने कि सभी 12 राशियों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको पूरे महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में बताया, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं उनकी जानकारी दी, सभी राशियों के पारिवारिक जीवन कैसे रहेंगे, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका उपाय के बारे में चर्चा की हमने। हमने यह भी बताया कि कौन कौन सी तारीख सभी राशियों के लिए शुभ नहीं है। कृपया इन तारीख का ध्यान तो आप जरूर ही रखें। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य इन तारीखों पर आप शुभारंभ न करें, उसको स्टार्ट न करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारी सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोज की जानकारी समय से मिल सकेगी। हम सभी कामना करते हैं कि मई का महीना आप सभी के लिए बेहद शुभ और अच्छा रहे। आप खूब सारी तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खूब एंजॉय करें। इस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।